इस बार 309 पंचायतों में नहीं होगा मुखिया का चुनाव। 309 पंचायत मुखिया के चुनाव से वंचित रह जाएंगे, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से वंचित रह जाएंगे। शिवहर जिला को छोड़कर पूरे राज्य में जो जिले हैं, किसी जिले में मतलब एक एक से लेकर 36 पंचायतों तक, 36 36 पंचायतों तक में चुनाव नहीं होगा। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव नहीं होगा, चुनाव से वंचित हो जाएंगे। और हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जहां पंचायत चुनाव नहीं होंगे उसकी जिलावार सूची पर हम नजर डालेंगे कि कौन कौन जिले में कितने पंचायतों में चुनाव इस बार नहीं होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, राज्य में इस बार 8386 पंचायतों के स्थान पर मात्र 8077 मतलब 8077 पंचायतों में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होगा, चुनाव करवाया जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि नगर निकायों में पंचायतों और गांवों के शामिल होने के कारण 309 पंचायतों का अस्तित्व तो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। इन पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। बता दें आपको कि दिसंबर 2020 में राज्य में 117 नगर परिषद का क्षेत्र जो है विस्तार किया गया है, जिसमें 309 पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो गया है, जो पूर्ण रूप से नगर निकाय में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों, वहीं वैसे पंचायतें भी शामिल हैं जिनका बहुत बड़ा भाग नगर निकाय में शामिल हो चुका है, तो जो बचे हुए भाग हैं वो बगल के पंचायत में शिफ्ट कर दिया गया है, उसमें शामिल कर दिया गया है। तो यही समझिए कि जो पुराना जो पंचायत था उसका अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया है, उनका नामो निशान ही नहीं रहेगा। और हम आपको बात करें अगर कि कौन से जिले में कितने ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो कमेंट में जल्दी जल्दी अपना जिला बताइएगा कि आपके जिले में, जब बताऊंगा उसमें से देख के आप बताइएगा कि आपके जिले में कितने ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। और दोस्तों, आपसे एक ही फिर से गुजारिश मैं करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ही बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, पंचायत चुनाव की बिगुल बज चुकी है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको भी बरतना है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे हैं जो फेक न्यूज चलाते हैं, गलत जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, जिसके कारण कभी कभी परेशानी में लोग पड़ जाते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी आपको भरोसा देता हूं कि जानकारी देने में भले ही 4 घंटा लेट हो जाए, 1 दिन लेट हो जाए, लेकिन जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, यह मेरा दावा है और यह मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं तो आपको हम बता दें दोस्तों कि पूरे बिहार में जो ऐसा एक जिला है जिसके सबसे ज्यादा पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वह जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर के 36 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वह नगर निकाय में शामिल हो गया है। और एक शिवहर जिला है, शिवहर जिला का एक भी पंचायत नगर निकाय में नहीं शामिल हुआ है, मतलब कि शिवहर जिला में पंचायतों की संख्या जो पहले थी वही रहेगी, वही बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, अगर हम पंचायत जिला वार अगर बात करें कि कौन से जिले में कितने पंचायतों को नगर निकाय में शामिल कराया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिए। हम बात करते हैं पहले अरवल जिला, जमुई, किशनगंज, ये 3 जिले हैं जहां से एक पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, जिसकी संख्या एक है, जो पंचायत में चुनाव नहीं होंगे वह नगर निकाय में शामिल हो गया है। अब औरंगाबाद, भोजपुर, मुंगेर, नवादा, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां के 2 पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो गया है, 2 पंचायत नगर निगम में शामिल हो गए हैं। बांका और कैमूर के 3 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, 3 पंचायत नगर
निकाय में शामिल हुए हैं, वहीं गोपालगंज, भागलपुर, लखीसराय। गोपालगंज के व्यूवर्स, भागलपुर के और लखीसराय के व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ के चार पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वह नगर निकाय में शामिल हो गया है। बक्सर, जहानाबाद, कटिहार, सारण और शेखपुरा, यहाँ के व्यूवर को एक चार एक पांच जिले हैं ऐसे हैं जहां से पांच ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वो नगर निकाय में शामिल हो गए हैं। अररिया और सुपौल में सात पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, सात पंचायत नगर निकाय में शामिल हो चुके हैं। और मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी से नौ पंचायत नगर निकाय में शामिल हो गए हैं, मतलब कि नौ पंचायतों में इस बार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत नहीं हो पंचायत चुनाव नहीं होगा और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। वही हम मधुबनी, सहरसा, सिवान और वैशाली के 10 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, उन ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होगा। और वही हम बात करेंगे पश्चिम चंपारण में, तो 11 ग्राम पंचायत तो में यहाँ चुनाव नहीं होगा, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, नगर निकाय में शामिल हो गए हैं। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और गया के 12 ऐसे पंचायत हैं जो नगर निकाय में शामिल हो गए हैं, जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, वहां चुनाव नहीं होगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया के 12 पंचायत। और वहीं अपना राजधानी पटना जिला, पटना जिला के 13 पंचायत जो हैं से नगर निकाय में शामिल हो गए हैं, वहां 13 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, इसलिए वहां पंचायत स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। वही दरभंगा और नालंदा में 15 पंचायत हैं जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है और वहां चुनाव नहीं होंगे। खगड़िया, पूर्णिया और रोहतास, खगड़िया, पूर्णिया, रोहतास के इन तीन जिलों में से तीनों जिलों में जो भी मैं बता रहा हूं कि 16 16 16 16 पंचायत, मतलब हर हर जिले से 16 16 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और यहाँ चुनाव पंचायत चुनाव नहीं होंगे, इन पंचायतों में को जो नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी ही बताया था, शुरुआत में ही बता दिया था कि समस्तीपुर एकमात्र जिला ऐसा है जहां 36 पंचायतें वहां का अस्तित्व समाप्त हो, वहां के 36 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और वहां 36 पंचायत नगर निकाय में शामिल हो गए हैं। तो वहां जितना पंचायत हो उसे 36 कम कर दीजिएगा, उतने ही पंचायतों में यह पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और दूसरा, शिवहर जिला ही मात्र एक ऐसा जिला है जहां एक भी पंचायत जो है नगर निकाय में नहीं शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि शिवहर जिला का शहरीकरण अभी नहीं हुआ है, नगरीकरण में पीछे है, वहां नगरीकरण नहीं हो पाया है यार बहुत अच्छा से। तो दोस्तों यह थी जानकारी, बहुत सारे व्यूवर्स का यह सवाल था, शुरू से सवाल था कि हमारे जिले के कितने पंचायत को का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो आपको मैं यह जानकारी, हम समझते हैं कि मिल गई होगी। और अगर कोई जानना चाहते हैं कि आपके जिले में कौन कौन सा पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो उसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि इतने सारे जिलों का पूरा कि कौन कौन से पंचायतों का नाम लेने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही आप लोगों का आरोप रहता है कि आप लंबा वीडियो बनाते हैं, तो मैं इसलिए सोचा कि इसकी अलग से जानकारी मैं दे दूंगा, चार चार जिले का, या मैं देख लूंगा कि कितने जिले का एक वीडियो में बन सकता है, उस हिसाब से आपको जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों और कोई जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट में बताइएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।